आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी पारंपरिक रूप से देखा जाए तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, हर दृष्टि से पूरी तरह समृद्ध नजर आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बाबा खाटू श्याम की यात्रा के लिए निकले एक दंपत्ति सिवनी पहुंचे और वे बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं राजस्थान। बालाघाट से निकलकर वे राजस्थान की ओर रवाना हुए। मार्ग में जब सिवनी शहर आया तो वे सिवनी शहर के भगवान शिव की नगरी के अंदर से उन्होंने गुजरने का वे अंदर से गुजरे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। वो बुला रहा है, कैसे रोक लूं, हम तो चले खाटू श्याम धाम, खाटू धाम। हाथों में लेकर निशान चले रे, हम तो अपने बाबा के धाम चले रे। बालाघाट से खाटू श्याम वाले, खाटू वाले बाबा श्याम की निशान यात्रा, खाटू वाले बाबा का श्याम का निशान और श्याम बाबा का दरबार लेकर बालाघाट से निकले श्याम भक्त अंकित शर्मा और दीपिका उनके साथ ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वे बालाघाट से सिवनी पहुंचे और सिवनी में उनके द्वारा शहर से होकर गुजरते हुए वे छपारा की ओर रवाना हुए और छपारा में उनका रात्रि विश्राम इसके बाद हुआ। छपारा में रात्रि विश्राम के बाद वे आगे की ओर गमन करेंगे। देखिए वे यहाँ से जाते हुए सिवनी में सर्किट हाउस के पास का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये दोनों यहाँ से बाबा खाटू श्याम का निशान लेकर बाबा खाटू श्याम के दरबार हाजिरी लगाने के लिए पैदल यात्रा करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म की यात्रा और पैदल आप देख सकते हैं ये यहाँ से चले जा रहे हैं सिवनी में बाबा खाटू श्याम के, खाटू वाले श्याम बाबा के भक्तों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया। सर्किट हाउस चौराहे से वे गुजरते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। पैदल यहाँ से वे जा रहे हैं, पैदल ही बालाघाट से निकले और सिवनी तक वे पहुँचे। सिवनी के उपरांत छपारा में उनका रात्रि विश्राम और छपारा के बाद वे आगे गंतव्य की ओर रवाना हुए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लूगरवाड़ा का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। लूगरवाड़ा में कार में उनके बाबा खाटू श्याम का दरबार और बाबा खाटू श्याम के दरबार के साथ ही वे उनका वाहन चला जा रहा है। अब वे स्वयं पैदल ही यहां से गमन कर रहे हैं। सिवनी में खाटू श्याम बाबा के भक्तों से चर्चा के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि पहले वे बाईपास से निकलना चाह रहे थे, जो यहाँ बाईपास आकर मिलता है, उस बाईपास से वे निकलना चाह रहे थे। डूंडा सिवनी के पहले से वे मुड़कर और इस बाईपास से यहाँ निकलते या फिर नगझर के पास निकलते, जो ये चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात जानकारी दी। किंतु कुछ श्याम भक्तों के द्वारा उन्हें शहर के अंदर से गुजरने का उनसे आग्रह किया गया, जिसके चलते वे शहर के अंदर से गुजरे और अब यहाँ से आप देख सकते हैं लूगरवाड़ा से वे बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसके पहले भी बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए जो भी यात्राएं, धार्मिक यात्राएँ सिवनी से होकर गुजरी हैं उनके बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के अलग अलग खबरों में हमने आपको पूरी जानकारी दिखाई थी। देखिए झंडा आपको यहाँ दिख रहा होगा, निशान जिसे कहते हैं, और बाबा खाटू श्याम का दरबार भी आपको यहाँ पर सजा हुआ कार के पीछे दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी
सीमा के बाद इन्हें विदाई दी गई और सिवनी की सीमा में के विदाई देने के उपरांत इनकी यात्रा छपारा की ओर, सिवनी से छपारा की ओर आगे कूच कर गई। हारे का सहारा बाबा हाटू श्याम सबका श्याम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। नई जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।